बड़ा खूबसूरत शहर, देहात दिलकश स्टोव शहर है इसके लिए। आदम जी दाई की जानिब से एक और बड़ी खूबसूरत बाउंड्री लॉन्ग ऑफ के फील्डर चुके सर्कल के अंदर थे तो चार रन हासिल किए। सईद इमरान जो कि बड़े शानदार बॉलर हैं, बड़ी नपीतुली बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनको बड़ा शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए आदम जी दाई। एक और अच्छी बॉल थी, बड़ी उमदा बॉल, सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए आदम जी। स्कोर बदस्तूर 14 रन। सैयद इमरान अपने स्पेल का दूसरा रफी टीम की जानिब से तीसरा ओवर करते हुए सामना करते हुए आदम जी चाय, और इस बार रन बना के खेलने में कामयाब हुए, लेकिन अच्छी फील्डिंग का नजारा फील्डर की जानिब से। एक ही रन बनने का मौका मिल सकेगा, इस एक रन के हिसाब से बढ़ते हुए स्कोर 15 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी है। आज के शानदार मैच को सुपरवाइज करते हुए कराची के सीनियर और बड़े जाने माने एम्पायर जनाब मोहम्मद असगर और उनके साथी एम्पायर है शाहिद असलम। इस बार जोरदार हिट लगाना चाहते थे, शॉर्ट लेग पे फील्डर मौजूद थे, लेकिन एक रन बनने का मौका था दोनों बैट्समैनों के पास। इस एक रन के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी है और इस बार शॉट खेलते ही थोड़ा सा निकले जरूर थे आदम जी, लेकिन मना किया यूजी ने कि फील्डर मौजूद है, इस बार खतरनाक हो सकता है, तो लिहाजा विकेटों को अभी सेव किया जाए। जोरदार हिट लगाना चाहते थे ऑन साइड की जानिब, सही तरीके से बल्ले पे बॉल नहीं आई, कुछ देर हवा में जरूर रही, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर थी, रन बनने का मौका नहीं मिल सका। तो इस तरह 3 ओवर के अख्तितम पे एक विकेट के नुकसान पे 16 रन बनाने में कामयाब हुई है केपी ट्रायल ब्लेजर्स। शाहिद असलम नौजवान एम्पायर आज हमारे दरमियान मौजूद है। असगर अली शाह पे आज इनका 278वां मैच है, बहुत सीनियर हो चुके हैं। असगर अली शाह इनके घर से करीब भी है, तो हम कोशिश करते हैं कि इनको यही पोस्ट किया जाए, यहीं से पहाड़ी के रास्ते से घर की तरफ निकल जाते हैं शाहिद असलम। और एक और बड़ी इनके लिए उमदा बात यह है कि अब तक कुंवारे हैं माशाल्लाह। जुहैब बगदादी, अच्छी बॉल, उमदा बॉल अंदर की जानिब आई, रोक के खेलना चाहते थे, गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में, रन बनने का मौका नहीं मिल सका। स्कोर बदस्तूर 16 रन। चौथे ओवर का खेल जारी, इस बार भी उमदा बॉल, चौथे ओवर का खेल जारी, और इस बार खेलते ही निकल पड़े, देखना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगी। अच्छी कॉल थी आदम जी ताई की जानिब से, भरपूर साथ दिया यूजी ने उनका, तो एक रन का और इजाफा मजबूत स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन 70। जहीद बगदादी अपने स्पेल का दूसरा और अपनी टीम की जानिब से 14 ओवर करते हुए, इस बार भी बड़ी उमदा बॉल थी अंदर की जानिब आई, आहिस्तगी से रोक के खेले आदम जी ताई, रन बनने का मौका नहीं मिल सका। 17 का मजमुआ है, चौथे ओवर का खेल जारी है, उस बार जोरदार हिट लगाना चाहते थे लॉन्ग ऑन की जानिब, एक और डॉट बॉल। और एक और बड़ा अंदा ओवर जोहेब की जानिब से, सिर्फ एक रन कंसीड किया, तो नहायत ही शानदार ओवर, सर्कल में ऐसा ओवर करना यकीनी तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो 4 ओवर के अख्तितम पे एक विकेट के नुकसान पे 17 रन बनाने में कामयाब हुई है केपी रॉयल ब्लेजर्स। चार ओवर 17 रन एक विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले खिलाड़ी हैं तैयब बाला गंबाला, जो अनलकी रहे, जहेब बगदादी के एक शानदार थ्रो पे रन आउट हो गए, क्रीज पे मौजूद है अब यूजी और आदम जी ताई।
सैयद इमरान कंटिन्यू करेंगे अपनी बॉलिंग को अपने स्पेल का तीसरा और अपनी टीम की जानिब से पांचवा ओवर करते हुए और रन बना के निकालना चाहते थे पॉइंट की जानिब, फील्डर मौजूद थे। डॉट बॉल एसपीएल सीजन 5 बड़ी उमदा बॉल थी, तकरीबन स्पिन बॉल करते करते लगा ऐसे जैसे शूटर रन मारी है, यॉर्कर लाइन बॉल थी जिसको आहिस्तगी से रोक के खेले हुए जी डॉट बॉल। और इस बार बड़ा खूबसूरत शॉट योगी की जानिब से देखना पड़ेगा, गेंद हवा में, फील्डर ने कोशिश जरूर की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सके। 4 रन उमदा शॉट योगी की जानिब से, 21 रन हो चुके हैं। सैयद इमरान एक बार फिर तैयार, सामना करेंगे यूजी और इस बार देखना पड़ेगा और ड्रॉप हो गया है कैच, काफी दूर से तकरीबन लॉन्ग ऑन से भागते हुए आए थे फील्डर, लॉन्ग ऑफ की जाने की कोशिश जरूर की थी, गेंद के नीचे आ भी गए थे लेकिन उनके हाथों से बॉल निकल गई। तो यकीनी तौर पर एक जिंदगी मिली है यूजी को। स्कोर हो गया है 23 रन इन 2 रनों के इजाफे से 23 रन। पांचवें ओवर का खेल जारी है, सैयद इमरान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। अच्छी बॉल थी, कदरे नीचे रही, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है लेक्शन मिस कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है। असगर भाई बड़े सीनियर एम्पायर है, बेहतर समझते हैं। और इस बार ऑन साइड की जानिब खेला, फील्डर मौजूद है, एक ही रन बनने का मौका मिल सकेगा। 24 तो इस तरह 5 ओवर के इख्तिताम पे 1 विकेट के नुकसान पे 24 रन बनाने में कामयाब हुई है केपी ट्रायल ब्लेजर्स। थंडर नाइट्स के अब तक दोनों बॉलर्स ने बड़ी नबी तुली बॉलिंग का मुजाहरा किया है, सैयद इमरान और जोहर बगदादी ने बिल्कुल भी खुल के खेलने का मौका नहीं दिया है केपी के बैट्समैनों को। और अब फर्स्ट चेंज हुई है, बॉलिंग चेंज हुई है, देखना पड़ेगा किसको बुलाया। मोहम्मद वसीम गालिबन आए हैं अपने स्पेल का पहला ओवर टीम की जानिब से 6 ओवर करने के लिए। यकीनी तौर पर यह सर्कल का आखिरी ओवर है और चूंकि 6 ओवर के सर्कल में तमाम ही टीमों की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा रन समेटे। अब देखना यह है कि सर्कल के आखिरी ओवर में ये दोनों खिलाड़ी क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। 24 रन है 5 ओवर में। और इस बार ऑन साइड की जानिब आहिस्तगी से खेला है यूजी ने और एक ही रन बनने का मौका मिल सकेगा। और ओवर थ्रो की सूरत में देखना पड़ेगा, गेंद काफी दूर तक चली गई थी लेकिन आदम जी टाई लगता है ऐसे है कि तैयार नहीं थे दूसरे के लिए और यूजी ने भी उनको मना किया तो एक ही रन का मौका मिल सकेगा। 25 वसीम तैयार, सामना करेंगे आदम जी। उमदा शॉट, खूबसूरत शॉट आदम जी की जानिब से, बहुत ही शानदार छक्का, ठीक लिया था गेंद पीछे पड़ी है उसका भरपूर फायदा उठाया और पहला छक्का लगाने में कामयाब इनिंग का आदम जी टाई। 31 बड़ा खूबसूरत छक्का आदम जी की जानिब से। और इस बार भी पीछे बॉल था, उसको खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर मौजूद थे, बनने का मौका नहीं मिल सका। स्कोर बदस्तूर 31 रन और इस बार खेल दिया है लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन के, एक ही रन बनने का मौका मिल सके। 32 32 रन उनका शॉट खेला है लेकिन चूंकि शॉट में बड़ी तेजी थी, एक टिप्पा खाने के बाद जो एक की जानिब गई थी और कोशिश नहीं की दोनों बैट्समैनों ने रन लेने की। स्कोर 32 रन। अच्छा बॉल था वसीम की जानिब से, इस बॉल पे भी रन नहीं बन सका। तो इस तरह 6 ओवर का सर्कल भी मुकम्मल हुआ, 6 ओवर का खेल भी मुकम्मल हुआ तो 6 ओवर के इख्तिताम पे
एक विकेट के नुकसान पे 32 32 रन बनाने में कामयाब हुई है केपी ट्रायल ब्लेजर्स। टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हुए केपी की टीम, एक विकेट का नुकसान हुआ है अभी तक। क्रीज पे मौजूद है ये जी और आदम जी पाई। बड़ा अंदर शॉट निकाला है, देखना पड़ेगा। काफी दूर से दौड़ते हुए आ रहे हैं फील्डर, जब तक गेंद को पिक करके थ्रो करेंगे दोनों बैट्समैनों के पास मौका है दो रन लेने का। तो दो रन का और इजाफा मजमू स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर 34। जोहेब का एंड चेंज किया है जोहेब बगदादी। अच्छा शॉट खेला है रूम बना के और हल्की सी मिस फील्डिंग हुई सैयद इमरान की जानिब से और दोनों बैट्समैनों ने एक रन और हासिल कर लिया। बड़ा जोरदार शॉट, बहुत ही बुलंद बाला छक्का यूजी की जानिब से, फ्लाइट हिट बॉल का भरपूर फायदा उठाया, निहायत ही शानदार छक्का उस्मान गनी की जानिब से 41। बड़ा खूबसूरत छक्का, फ्लाइट हिट का भरपूर फायदा उठाया और लॉन्ग ऑन के फील्डर बॉल को तकते ही रह गए, तारा बना दी थी बॉल यूजी ने। और बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए पहले छक्का और उसके बाद बड़ी खूबसूरती से आहिस्तगी से सिंगल हासिल करने में कामयाब। तो इस तरह 7 ओवर के इख्तिताम पे एक विकेट के नुकसान पे 42 रन बनाने में कामयाब हुई है केपी। 7 ओवर 42 रन एक विकेट के नुकसान पे। फैजान आए हैं बॉल करने के लिए अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम की जानिब से 8वां ओवर करने के लिए आए हैं फैजान। बैक फुट होके खेल दिया लॉन्ग ऑन की जानिब, पुश किया है यूजी ने, एक रन बनने का मौका है 43।
आदम जी सामना करेंगे अब फैजान का। देखना पड़ेगा, लेग साइड के बाहर बॉल थी, पैड से लग के फील्डर की जानिब गई, रन बनने का मौका नहीं था। स्कोर बदस्तूर 43 है। बड़ा खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है। अच्छा शॉट खेला था एक्स्ट्रा कवर की जानिब आदम जी ने और थ्रो हो गई है, लेकिन बड़ा जबरदस्त बैकअप विकेट कीपर की जानिब से। फैजान तैयार है, सामना करेंगे यूजी। स्कोर है 44 रन। अच्छी बॉल थी फैजान की जानिब से, लेकिन एक रन बनने का मौका था दोनों बैट्समैनों के पास। बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। इस बार बड़ा खूबसूरत शॉट, बिल्कुल भी मौका नहीं मिल सका फील्डर को, करीबी खड़े थे लेकिन शॉट की तेजी बहुत थी। एक टिप खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। इस चौके के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। आठवें ओवर का खेल जारी, अच्छी बैटिंग का मुजहरा आदम जी और यूजी की जानिब से। अब तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता सेट हो चले हैं और मर्जी के शॉट खेलते हुए दोनों ही बैट्समैन। इस बार उठा के खेल दिया है, बड़ा ही खूबसूरत शॉट, एक और बाउंड्री, इस बार छक्का लगाने में कामयाब आदम जी टाई। ग्रेट बैटिंग और इस छक्के के हिसाब से 50 रन भी मुकम्मल हुए केपी ट्रायल ब्लेजर्स के। बढ़ता हुआ स्कोर 55। 55 रन 8 ओवर के इख्तिताम पे। आज बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे हैं आदम जी, बड़े जबरदस्त शॉट खेले अब तक आदम जी ने। और एक बार फिर बॉलिंग चेंज, सलमान शेखानी आए हैं गेंद करने के लिए। बड़ी उमदा बॉल,
अच्छा बॉल खेलने गए थे यूजी, कामयाब नहीं हुए। सलमान शेखानी दोनों तरफ बॉल घुमाने की बड़ी जबरदस्त महारत रखते हैं। सलमान शेखानी अपने स्पेल का पहला और टीम की जानिब से नवा ओवर करते हुए इस बार बड़ा खूबसूरत शॉट खेला है यूजी ने, देखना पड़ेगा। और फील्डर ने अच्छा स्टॉप किया है, तकरीबन अपने फुट से रोकने में कामयाब हुए, इस बाउंड्री को सेव किया है। 56 आदम जी सामना करेंगे अब सलमान का। उमदा शॉट, खूबसूरत शॉट, एक और छक्का लगाने में कामयाब आदम जीताई। लगता है ऐसा है कि फ्लाइटेड बॉल को बिल्कुल भी नहीं बख्शते आदम जीताई। फ्लाइटेड बॉल मिलेगा तो उसके ऊपर भरपूर रिमांड लेते हैं। इस छक्के के इजाफे से बढ़ता है इसको 62-62 रन। नवे ओवर का खेल जारी है। उनका शॉट खेला था, रूम बना के निकालना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, रन बनने का मौका नहीं मिल सका। स्कोर बदस्तूर 62, नवे ओवर का खेल जारी है। बड़ा उमदा बॉल, बड़ा जबरदस्त ब्रेक हुआ है, पहले खेलने गए थे फिर छोड़ दिया और जाने दिया रमीज के ग्लव्स में, तो डॉट बॉल। और रिवर्स फ्लिक खेलना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई, रन बनने का मौका नहीं था। सैयद इमरान थे फील्डर, तो इस तरह 9 ओवर के अख्ताम पे एक विकेट के नुकसान पे 62-62 रन बनाने में कामयाब हुई है केपी। 9 ओवर 62 रन एक विकेट के नुकसान पे, यकीनी तौर पे एडवांटेज अब बाकी है क्योंकि 9 ओवर का खेल हो चुका है और सिर्फ अब तक एक विकेट गिरी है। तो जैसे जैसे डेप्थ के ओवर आएंगे तो यकीनी तौर पे बैटिंग स्टांस भी चेंज होगा। वसीम अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, वसीम अपने स्पेल का दूसरा और अपनी टीम की जानिब से 10वां ओवर करने के लिए आए हैं मोहम्मद वसीम। सामने करेंगे यूजी, उठा के खेला था गेंद, काफी देर हवा में रही, पहला रन बड़ी तेजी से लिया, देखना पड़ेगा दूसरे के लिए निकल पड़े और अच्छी थ्रो फील्डर के जानिब से, लेकिन पहुंच गए यूजी अपनी क्रीज पे। 64 बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन। और इस बार खेल दिया है, बड़ा जबरदस्त शॉट यूजी की जानिब से, लॉन्ग आर्म के फील्डर देखते ही रह गए और फ्लैट सिक्स मारा यूजी ने, उमदा छक्का। वर्तमान स्कोर 70-70 रन। दोनों ही बैट्समैन अब तकरीबन बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए, अच्छी बॉल मोहम्मद वसीम की जानिब से, डॉट बॉल। और इस बार खेल दिया है आदम जी ने लॉन्ग ऑन की जानिब, एक ही रन बनने का मौका मिल सकेगा। 72-72 10वें ओवर का खेल जारी है, मोहम्मद वसीम अपने स्पेल का दूसरा और अपनी टीम की जानिब से 10वां ओवर करते हैं। बड़ा उम्दा स्निक निकाला है, जब तक फील्डर पहुंचेंगे मौका है एक रन लेने का। 73, तो इस तरह 10 ओवर के अख्ताम पे एक विकेट के नुकसान पे 73 रन बनाने में कामयाब हुई है केपी ट्रायल ब्लेजर्स।
10-73 एक विकेट के नुकसान। शॉट देखना पड़ेगा और आउट हो गए और कामयाबी दिलाई। पार्टनरशिप ब्रेक करने में कामयाब सलमान शेखानी। दूसरा नुकसान। तिहत्तर के मजमुए पे दूसरा नुकसान उठाना पड़ा आदमजीत। यूजी आउट होके पवेलियन वापस। कैचर थे जुहेब। और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा। 35 रन की शानदार इनिंग खेलने में कामयाब यूजी। बड़े जबरदस्त छक्के लगाने में कामयाब और अच्छा स्टैंड दिया है आदमजीत राय के साथ मिलकर अपनी टीम को। अदील अब्बासी नहीं जाने वाले बैट्समैन जो साथ देने के लिए गए हैं आदमजीत राय का। नए जाने वाले बैट्समैन है अदील अब्बासी। अच्छी बॉल थी सलमान की जानिब से। आहिस्तगी से रोक के खेले अदील। रन बनने का मौका नहीं था। स्कोर बदस्तूर 73 रन। 11वें ओवर का खेल जारी। एक और डॉट बॉल। और इस बार भी स्पिनिंग हुई है सैयद इमरान से जिसका फायदा उठाया अदील ने और एक रन हासिल करने में कामयाब। 74।
सलमान तैयार, अच्छा शॉट खेलने की कोशिश की थी, अच्छा बॉल सलमान की जानिब से, एक और डॉट बॉल कराने में काम है। इस बार निकल के खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ की जानिब, देखना पड़ेगा फील्डर मौजूद है। वन बाउंस के बाद फील्डर के पास पहुंच गई गेंद, एक ही रन बनने का मौका था। तो बड़ा शानदार और कामयाब ओवर सलमान की जानिब से, जिसमें उन्होंने पार्टनरशिप ब्रेक की, सिर्फ दो रन दिए इस ओवर में और एक शानदार विकेट हासिल की यूजी की सूरत में। और बड़ा खूबसूरत कैच, अच्छा कैच मीर फराद खालिद की जानिब से। तो इस तरह एक और बड़ा नुकसान, यके बाद डिग्रे दोनों सेट बैट्समैन आउट, विकेट पर मिलन वापस, पहले यूजी और उसके बाद आदम जी टाई की विकेट हासिल करने में कामयाब जमील आगा। नए जाने वाले बैट्समैन हैं आमिर मोतीवाला। तो तीसरा नुकसान नए जाने वाले बैट्समैन आमिर मोतीवाला जो साथ देने के लिए गए हैं, आमिर नूर। जमील आगा तैयार अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम की जानिब से 12वां ओवर करते हुए सामना करेंगे अदील अब्बासी। स्कोर है 75 रन, 75 रन्स। जमील तैयार अपने ओवर की अगली गेंद करने के लिए सामना करेंगे। कैच के दौरान चूंकि क्रॉसिंग हो गई थी और अदील सामना करेंगे, अच्छा शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ की जानिब, फील्डर मौजूद है, एक ही रन बनने का मौका मिल सकेगा। 76 76 रन। अच्छी बॉल थी, आहिस्तगी से रोक के खेले आमिर, रन बनने का मौका नहीं मिल सका। अच्छी बॉल थी, खेलने जरूर गए थे आमिर लेकिन कामयाब नहीं हो सके, डॉट बॉल। जमील आगा तैयार सामना करेंगे आमिर, एक और बड़ी उमदा बॉल, डॉट बॉल कराने में कामयाब, बड़ी जबरदस्त जगह पे गेंद कर रहे हैं, बिल्कुल भी खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे। सेट बैट्समैन है, दोनों सेट बैट्समैन आउट हो चुके हैं, आने वाले दोनों नए बैट्समैन है। हम कमेंट्री बॉक्स में अपने दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, फरदीन तशरीफ ला चुके हैं स्पोर्ट्स विजन के, फरदीन हमारे दरमियान मौजूद।
तो 12 ओवर के खिताब पे 77 रन बनाने में कामयाब हुई है, 3 विकेटों के नुकसान पे। सलमान शेखानी अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। विन बना के खेलना चाहते थे आमिर, डॉट बॉल। ताके शॉट खेल दिया है, गेंद कुछ देर हवा में जरूर रही तो अच्छी फील्डिंग का मुजहरा मीर फराद खालिद की जानिब से। सिंगल हैंडेडली बॉल को पिक करके फौरी तौर पर सलमान की जानिब बॉल को फेंक दिया। दूसरे रन लेने के लिए कोशिश जरूर की थी आमिर ने, लेकिन वापस अपनी क्रीज पे पहुंच गए। अदील सामना करेंगे सलमान का। स्कोर हो गया 78 रन। 13वां ओवर करते हुए सलमान शेखानी और बड़ा उमदा कैच, अच्छा कैच अहमद कपाडिया की जानिब से, डाइविंग कैच लेके अदील अब्बासी की इनिंग का खात्मा कर दिया। चौथा नुकसान 78 के मजरे पे, चौथा नुकसान उठाना पड़ा केपी ट्रायल ब्लेजर्स को। नए जाने वाले बैट्समैन मलिक करार जो के अदील अब्बासी के आउट होने के बाद बैटिंग के लिए जाते हैं। मलिक करार सामना करेंगे सलमान का। स्कोर है 78, 4 विकेटों के नुकसान। अच्छा शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ के जाने मलिक ने, 1 रन के लिए 79 बढ़ता हुआ स्कोर। बड़ा खूबसूरत कट खेला है आमिर ने, गेंद काफी तेजी से थर्ड मैन की तरफ जा रही है जब तक फील्डर अहमद कपाडिया बॉल को पिक करते थ्रो करते दोनों बैट्समैनों के पास मौका था 2 रन लेने का, तो इन 2 रनों के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 81 रन। 13वें ओवर का खेल जारी है। आमिर नूर सामना करेंगे एक बार फिर सलमान शेखानी का। अच्छी बॉल थी, आहिस्तगी से रोक के खेले, फील्डर मौजूद, रन बनने का मौका नहीं मिल सकेगा। तो एक और कामयाब ओवर सलमान की जानिब से जिसमें उन्होंने अदील अब्बासी की शानदार विकेट हासिल की। तो 13 ओवर के अख्ताम पे 4 विकेटों के नुकसान पे 81 रन बनाने में कामयाब हुई है केपी ट्रायल ब्लेजर्स। 13-81 4 विकेटों के नुकसान। एक रन का और इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन। 14वें ओवर का खेल जारी है। जमील आगा अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, सामना करेंगे अब अच्छा शॉट खेला था आमिर ने 1 रन के लिए 83 रन।
अच्छी बॉल जमील की जानिब से, डॉट बॉल। अच्छा शॉट खेला है मलिक ने एक रन के लिए, 84 84 रन। बड़ी उमदा बॉल, एक और अच्छी बॉल, डॉट बॉल। स्कोर बदस्तूर 84 रन। इस बार ऑन साइड की जानिब निकालने में कामयाब हुए आमिर, एक रन बनने का मौका है दोनों बैट्समैनों के पास, बढ़ता हुआ स्कोर 85। तो इस तरह 14 ओवर के इख्तिताम पे 4 विकेटों के नुकसान पे 85 रन बनाने में कामयाब हुई है केपी। 14 85 4 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी 6 ओवर का खेल बाकी रह गया। देखना यह है कि ये दोनों बैट्समैन या आने वाले बैट्समैन अपनी टीम के टोटल को किस हद तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं और मध्य मुकाबल टीम थंडर नाइट्स के लिए क्या टारगेट सेलेक्ट करते हैं। सलमान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, सामना करेंगे आमिर नूर। स्कोर है 85 रन। ठाके शॉट खेल दिया है और ड्रॉप हो गया कैच। कैच पे तकरीबन आ गए थे मीर फराद खालिद, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया। अच्छे फील्डर है लेकिन सही तरीके से बॉल को जज नहीं कर पाए, तो 2 रन का और इजाफा मजमू स्कोर में, बढ़ता हुआ स्कोर 87 87 रन। और ड्रॉप हो गया है कैच, एक आसान कैच ड्रॉप हो गया है। एम्पायर की जानिब से इशारा अब तक महसूल नहीं हुआ हमें कि हम आपको बताएं, और एम्पायर की जानिब से इशारा है 4 रन का। तो जिंदगी मिली है आमिर नूर को इस चौके के इजाफे से, बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन। 2 गेंदे 2 कैच ड्रॉप हो चुके हैं आमिर नूर के, तो आज लगता ऐसा है कि उन्हीं का दिन है। शॉट खेला है, एक मिड विकेट की जानिब फील्डर मौजूद है, एक रन बनने का मौका मिल सकेगा। 92 92 रन। अपील की थी बड़ी जोरदार सलमान ने, लेकिन एम्पायर मोहम्मद असगर को मुतासिर ना कर सकी। और निकल के खेलना चाहते थे मलिक करवार, बड़े एग्रेसिव और बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो एक और कामयाबी सलमान शिखानी के खाते में आई। 5वां नुकसान, हर ओवर में विकेट ले रहे हैं, 2 कैच इस ओवर में छूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अब फील्डर पे भरोसा नहीं किया और अपनी मदद आपके तहत सपोर्ट हासिल की विकेट कीपर से। तो रमीज महबूब ने किसी किस्म की कोई गलती नहीं की और बेल जुड़ा दी, तो 5वां नुकसान बांधने के मजमुए पे मलिक करार आउट होके पवेलियन वापस। Thank you.
कजों पर सामना करेंगे अब सलमान का। पंद्रहवें ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार सलमान शेखानी सामना करेंगे गजफर रची, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद आमिर नूर। अच्छी बॉल थी डॉट बॉल। तो 15 ओवर के इख्तिताम पे 5 विकेटों के नुकसान पे 92 रन बनाने में कामयाब हुई है केपी ट्राई ब्लेजर्स। तो बड़ा शानदार अपना स्पेल मुकम्मल किया सलमान शेखानी ने अपने 4 ओवर के कोटे में, सिर्फ 20 रन देके 3 शानदार कामयाबी लेने में कामयाब सलमान शेखानी। तो बड़ा जबरदस्त स्पेल थंडर नाइट की जानिब से सलमान शेखानी। जमील आगा अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, सामना करेंगे आमिर। स्कोर है 92 रन 15 ओवर के इख्तिताम पर। अच्छा शॉट खेला है, एक्स्ट्रा कवर की जाने फील्डर दौड़ते हुए आ रहे हैं और जब तक गेंद को पिक करके थ्रो करते, थोड़ी सी फंबल जरूर हुई थी जिसका भरपूर फायदा उठाया दोनों बैट्समैनों ने। तो 2 रन का और इजाफा इन 2 रनों के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 94। और रन आउट हो गए आमिर, रन आउट हो गए, छठा नुकसान। आमिर नूर रन आउट हो गए तो इस तरह छठा नुकसान। नए जाने वाले बैट्समैन है फराज अहमद, जो आमिर के आउट होने के बाद बैटिंग के लिए जाते हुए और इस इनिंग का दूसरा रन आउट, पहले तैयब बालंग वाला रन आउट हुआ और उसके बाद आमिर नूर मोतीवाला। जमीन अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, सामना करेंगे गजनफर। खूबसूरत शॉट, खड़े खड़े बड़ा दिलकश स्टॉप गजनफर रिची की जानिब से। इसी तरह की बैटिंग करते हैं और इसी बैटिंग के लिए मशहूर है गजनफर रिची। बड़े जबरदस्त स्लैगिंग करते हैं, बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं किया और खड़े खड़े शानदार छक्का लगाने में कामयाब गजनफर रिची। और इस छक्के के इजाफे से 100 रन भी मुकम्मल हो गए केपी ट्राई ब्लेजर्स के। स्कोर हो गया है 101।
और फिर सबसे काफी बाहर बॉल, एम्पायर की जानिब से इशारा आया वाइड बॉल, तो इस पांच रन से बढ़ता हुआ स्कोर 102 रन। एक और वाइड बॉल 103। अच्छा शॉट खेला है, देखना पड़ेगा। और चार रन के लिए उस ओवर में दूसरी बाउंड्री कंसीड की है गजनपुर रिची ने, बढ़ता हुआ स्कोर 107 रन 107। तो बड़ा उमदा ओवर केपी ट्रायल के लिए, अब तक 15 रन बन चुके हैं इस ओवर में। फराज सामना करेंगे अब जमील आगा का। अच्छा शॉट खेला है, आहिस्तगी से पुश के अंदाज में खेले, एक रन के लिए फराज 109। तो इस तरह 16 ओवर के इख्तिताम पे 109 रन बनाने में कामयाब हुए। सोलह ओवर 109 रन 6 विकेट के नुकसान पे क्रीज पे मौजूद है गजनपुर रिची और फराज अहमद। सैयद इमरान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, अपने स्पेल का चौथा और आखिरी और अपनी टीम की जानिब से 17 ओवर करने के लिए तैयार, सामना करेंगे फराज अहमद। एक और बड़ी उमदा बॉल, डॉट बॉल 109 सैयद इमरान अपने स्पेल का चाहता और आखिरी और अपनी टीम की जानिब से 17वां ओवर करते हुए सामना करेंगे फराज एक बार फिर, स्कोर है 109 रन 109। एक और डॉट बॉल, एक और बड़ी उमदा बॉल, चार लगातार डॉट बॉल कराने में कामयाब हुए सैयद इमरान फराज अहमद को। एक और डॉट बॉल, पांचवीं लगातार डॉट बॉल कराने में कामयाब हुए।
और इस तरह एक बड़ा शानदार शतर में मिड ओवर करने में कामयाब सैयद इमरान फराज अहमद के ऊपर। 17 ओवर स्कोर बदस्तूर 109 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। जोहेब अपनी बॉलिंग जारी रखते हुए निकाल दिया है फाइन लेग की जाने। फील्डर तेजी से दौड़ते हुए गए जब तक गेंद को पिक करके थ्रो करते दोनों बैट्समैनों के पास मौका था एक रन लेने का। और बोल गए हैं फराज अहमद के पवेलियन वापस 7वां नुकसान 110 के मजबूर पे। सोहेब बगदादी अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे सामना करेंगे नवीद नागडा। स्कोर है 110 रन 7 विकेटों के नुकसान। नेल्सन ऑन द बोर्ड 111 7 विकेटों के नुकसान पे। बड़ा खूबसूरत शॉट गजनकर की जानिब से कोशिश जरूर की थी लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को रोकने की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इस चौके के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 115। और निकाल दिया है थर्डमैन की जानिब गेंद काफी तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही है। पहला रन बड़ी तेजी से हासिल किया देखना पड़ेगा दूसरा रन भी मुकम्मल किया 117। Thank you.
अच्छा शॉट खेल दिया है, देखना पड़ेगा। एक रन बना बड़ी तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए निकल गए, जल्दी करना पड़ेगी। और लगता ऐसा है कि शायद रन आउट हो चुके हैं गजफर। तो आठवां नुकसान, फील्डर थे निसार जिन्होंने शानदार थ्रो करके इनिंग का खात्मा कर दिया, तो आठवां नुकसान 118 के मजमुए में। इस तरह 18 ओवर के इख्तिताम पे 118 रन बनाने में कामयाब हुई है। नवीद सामना करेंगे मोहम्मद वसीम का। 19वां ओवर करने के लिए आए मोहम्मद वसीम, नए जाने वाले बैट्समैन है मुश्तबा, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद है। आहिस्तगी से खेला है, देखना पड़ेगा और रन आउट हो गए। नवीद नॉट डेड, रन आउट तो 76 रन आउट इस इनिंग का। तैयब, आमिर नूर, गजलपुर रिची और अब नवीद नागदा, 76 रन आउट इस इनिंग का। 118 के मजमुए पर नवा नुकसान। यूनुस जा रहे हैं, नए जाने वाले बैट्समैन यूनुस ताई। मुस्तफा का साथ देने के लिए गए हैं यूनुस ताई। 9 विकेटों के नुकसान पे 118 रन बनाने में कामयाब हुई है केपी ट्रायल ब्लेजर्स। मोहम्मद वसीम का सामना करेंगे मुश्तबा। उठा के शॉट खेल दिया है लेग ऑफ की, काफी दूर से दौड़ते जा रहे हैं फील्डर, देखना पड़ेगा। और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, 119 बढ़ता हुआ स्कोर 119 रन। 19वें ओवर का खेल जारी है। ये नुस्ताई सामना करेंगे अब मोहम्मद वसीम का।
अच्छी बॉल थी वसीम की जानिब से, डॉट बॉल। अच्छा बॉल, और अच्छा बॉल वसीम की जानिब से, खेलने में कामयाब नहीं हो सके यूनुस, डॉट बॉल। और इस बार बड़ा खूबसूरत शॉट निकालने में कामयाब, गेंद काफी तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही है, लगता नहीं है कि इसको रोकने में कामयाब हो सकेंगे अहमद। तो चार रन्स, 123 बढ़ता हुआ स्कोर, 123 रन। अच्छा भीम बना के शॉट खेले यूनुस भाई, पॉइंट और गली के दरमियान से निकालने में कामयाब हो गए चार रन के लिए। एक सौ तेईस उठा के शॉट खेल दिया है, देखना पड़ेगा और आउट हो गए, तो ऑल आउट हो गए। विकेट हासिल किया वसीम ने, कैचर थे जमील आगा। तो 123 पे इनिंग सिमट गई, अभी इसके बाद एक ओवर का खेल और बाकी था। तो 124 रन का आदर दिया है थंडर नाइट्स के लिए ट्रेल केपी ट्रेल ब्रेजिल ने, तमाम विकेटों के नुकसान थे, 123 रन बनाने में कामयाब हुई केपी ट्रेल ब्रेजिल। जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें, कुशादा सड़कें, सरसब्ज पार्क्स, मस्जिद, स्कूल, कमर्शियल एरिया, कम्युनिटी सेंटर्स, मुकम्मल महफूज बॉन्डीवाल के अंदर। आयशा व्यू, सिर्फ 16 लाख कैश में फौरी कब्जा। जिंदगी की तमाम सहूलतों से आराम। बुकिंग और तफसीलात के लिए 0336-31-88218, 0321-210-5611। कराची में नया नाजमाबाद से चंद कदम के फासले पर सबसे प्राइम लोकेशन पर इज्तिमागाह के करीब आयशा व्यू हाउसिंग स्कीम, LDA से मंजूरशुदा, 120 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स। जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें, कुशादा सड़कें, सरसब्ज पार्क्स, मस्जिद, स्कूल, कमर्शियल एरिया, कम्युनिटी सेंटर्स, मुकम्मल महफूज बॉन्डीवाल के अंदर। आयशा व्यू, सिर्फ 16 लाख कैश में फौरी कब्जा। जिंदगी की तमाम सहूलतों से आराम। बुकिंग और तफसीलात के लिए 0336-31-88218, 0321-210-5611।
कराची में नया नाजमाबाद से चंद कदम के फासले पर सबसे प्राइम लोकेशन पर इज्तिमागाह के करीब आयशा व्यू हाउसिंग स्कीम LDA से मंजूरशुदा 120 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें, कुशादा सड़कें, सरसब्ज पार्क्स, मस्जिद, स्कूल, कमर्शियल एरिया, कम्युनिटी सेंटर्स, मुकम्मल महफूज बाउंड्री वॉल के अंदर। आयशा व्यू सिर्फ 16 लाख कैश में फौरी कब्जा। जिंदगी की तमाम सहूलतों से आराधना। बुकिंग और तफसीलात के लिए 0336-31-88-218, 0321-21-056-11। कराची में नया नाजमाबाद से चंद कदम के फासले पर सबसे प्राइम लोकेशन पर इज्तिमागाह के करीब आयशा व्यू हाउसिंग स्कीम LDA से मंजूरशुदा 120 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें, कुशादा सड़कें, सरसब्ज पार्क्स, मस्जिद, स्कूल, कमर्शियल एरिया, कम्युनिटी सेंटर्स, मुकम्मल महफूज बाउंड्री वॉल के अंदर। आयशा व्यू सिर्फ 16 लाख कैश में फौरी कब्जा। जिंदगी की तमाम सहूलतों से आराधना। बुकिंग और तफसीलात के लिए 0336-31-88-218, 0321-21-056-11। कराची में नया नाजमाबाद से चंद कदम के फासले पर सबसे प्राइम लोकेशन पर इज्तिमागाह के करीब आयशा व्यू हाउसिंग स्कीम LDA से मंजूरशुदा 120 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें, कुशादा सड़कें, सरसब्ज पार्क्स, मस्जिद, स्कूल, कमर्शियल एरिया, कम्युनिटी सेंटर्स, मुकम्मल महफूज बाउंड्री वॉल के अंदर। आयशा व्यू सिर्फ 16 लाख कैश में फौरी कब्जा। जिंदगी की तमाम सहूलतों से आराधना। बुकिंग और तफसीलात के लिए 0336-31-88-218, 0321-21-056-11। कराची में नया नाजमाबाद से चंद कदम के फासले पर सबसे प्राइम लोकेशन पर इज्तिमागाह के करीब आयशा व्यू हाउसिंग स्कीम LDA से मंजूरशुदा 120 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें, कुशादा सड़कें, सरसब्ज पार्क्स, मस्जिद, स्कूल, कमर्शियल एरिया, कम्युनिटी सेंटर्स, मुकम्मल महफूज बाउंड्री वॉल के अंदर। आयशा व्यू सिर्फ 16 लाख कैश में फौरी कब्जा।
जिंदगी की तमाम सहूलतों से आराम। बुकिंग और तफसीलात के लिए 0336-318-218, 0321-210-5611। कराची में नया नाजमाबाद से चंद कदम के फासले पर सबसे प्राइम लोकेशन पर इज्तिमागाह के करीब आयशा व्यू हाउसिंग स्कीम LDA से मंजूरशुदा 120 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें, कुशादा सड़कें, सरसब्ज पार्क्स, मस्जिद, स्कूल, कमर्शियल एरिया, कम्युनिटी सेंटर्स, मुकम्मल महफूज बाउंड्रीवॉल के अंदर। आयशा व्यू सिर्फ 16 लाख कैश में फौरी कब्जा। जिंदगी की तमाम सहूलतों से आराम। बुकिंग और तफसीलात के लिए 0336-318-218, 0321-210-5611। कराची में नया नाजमाबाद से चंद कदम के फासले पर सबसे प्राइम लोकेशन पर इज्तिमागाह के करीब आयशा व्यू हाउसिंग स्कीम LDA से मंजूरशुदा 120 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें, कुशादा सड़कें, सरसब्ज पार्क्स, मस्जिद, स्कूल, कमर्शियल एरिया, कम्युनिटी सेंटर्स, मुकम्मल महफूज बाउंड्रीवॉल के अंदर। आयशा व्यू सिर्फ 16 लाख कैश में फौरी कब्जा। हेलो, माइक चेक, 1 2 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी इनिंग का आगाज हुआ चाहता है 124 रनों के हदफ के ताकुब में थंडर नाइट्स। दोनों ओपनर किसी पे मौजूद, रमीज महबूब और इस्माइल शाह। मलिक करार है बॉलर, पहली गेंद की आहिस्तगी से रोक के खेले ऑन साइड की जाने पे एक रन के लिए। तो इस तरह इनिंग का आगाज भी हुआ थंडर नाइट्स के। मलिक करार अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम की जाने से भी पहला ओवर करते हुए अब सामना करेंगे उनका इस्माइल शाह। अच्छे स्मूथ रन अप के बॉलर हैं मलिक करार। और निकालना चाहते थे डॉट बॉल। इस बार निकालने में कामयाब हुए थर्ड मैन की जाने इस्माइल शाह। एक रन के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। 124 रनों का हदफ है थंडर नाइट्स के लिए। आज यहां
एसपीएल सीजन 5 के इस मैच में केपी ट्रायल ब्लेजर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 19 ओवरों के में पूरी टीम आउट हो गई 123 रन बना के। अच्छा शॉट, खूबसूरत शॉट रमीज की जानिब से, किसी फील्डर के लिए मौका नहीं था। चार रन, पहली बाउंड्री अपनी टीम के लिए लगाते हुए रमीज महबूब, करता हुआ स्कोर 6 रन। अच्छा शॉट खेला था रमीज महबूब ने, देख लिया था कि अब सर्कल में है फील्डर मिड ऑफ विडॉन के। और एक और बड़ा खूबसूरत शॉट, देखना पड़ेगा एम्पायर का इशारा। चार रन, बिल्कुल बाउंड्री रोप के करीब की पका के गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। लगातार दूसरी बाउंड्री हासिल की है रमीज ने अपनी टीम के लिए। इस चौके के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। अच्छा आगाज थंडर नाइट्स की जानिब से, अच्छी बॉल थी अंदर की जानिब, भाई आईसीसी से खेल दिया बॉलर की जानिब, रन बनने का मौका नहीं था। तो इस तरह पहले ओवर के इख्तिताम पे बगैर की विकेट के नुकसान पे 10 रन बनाने में कामयाब हुई है थंडर नाइट्स। नवीद आए हैं अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम की जानिब से दूसरा ओवर करने के लिए। नवीद नागदा सामना करेंगे इस्माइल शाह। अच्छी बॉलिंग लाइनअप है केपी ट्रेल ब्लेजर्स की और एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है थंडर नाइट्स की। तो डेफिनेटली बॉलर और बैट्समैन की जंग जारी है। इस्माइल शाह सामना करेंगे नवीद नागदा का। बड़ा उमदा कट खेल दिया है इस्माइल शाह ने, गेंद काफी तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही है। लगता नहीं है कि इसको आमिर नूर रोकने में कामयाब होंगे। तो चार रन, बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। पहली गेंद पे नवीद की रूम बना के खेले, कट कर दिया थर्ड मैन की जानेब, क्योंकि थर्ड मैन के फील्डर सर्किल के अंदर है तो मौका नहीं था इस बॉल को रोकने का। चार रन, आहिस्तगी से रोक के खेले, रन बनने का मौका नहीं मिल सकेगा। स्कोर बदस्तूर 14 रन। इस बार अच्छी बॉल थी, कट करने गए थे, कामयाब नहीं हुए। डॉट बॉल, एक और बड़ी उमदा बॉल नवीद की जानिब से। इस्माइल शाह खेले बॉलर ही की जानिब, रन बनने का मौका नहीं था। इस बार खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से, एक की बघाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है। एक और बाउंड्री इस ओवर में हासिल की है इस्माइल शाह ने। तो बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। इस्माइल शाह और रमीज महबूब दोनों ही बड़े एग्रेसिव बैट्समैन हैं थंडर नाइट्स के। यकीनी तौर पे अगर इस मैच में बने रहना है
तो इनकी विक्ट्री हासिल करना होगी केपी ट्रायल ब्लेजर्स को, लेकिन अब तक बड़ी उम्मीदी से आगाज किया है इनका। ऑफिशियल से काफी बाहर बॉल, अंपायर की जानिब से इशारा है वाइड बॉल। इस फाजिल रन से बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है। एक और वाइट, एक और फाजिल रन से बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। इस बार उमदा बॉल थी, आहिस्तगी से रोक के खेले। दो ओवर के अख्ताम पे 20 रन बनाए हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। कैश में फौरी कब्जा। जिंदगी की तमाम सहूलतों से आराम। बुकिंग और तफसीलात के लिए 0336-3188-218, 0321-210-5611। कराची में नया नाजमाबाद से चंद कदम के फासले पर सबसे प्राइम लोकेशन पर इज्तिमागाह के करीब आयशा व्यू हाउसिंग स्कीम LDA से मंजूरशुदा 20 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स। जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें। दिल है बॉलर अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम की जानिब से तीसरा ओवर करते हुए। बड़ा खूबसूरत शॉट इस्माइल शाह की जानिब से 6 रन के लिए। लॉन्ग आउट की जानिब खेल दिया 6 रन के लिए। इस छक्के के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 27। इस बार आहिस्तगी से खेल दिया, ऑन साइड की जानिब तेजी दिखाना पड़ेगी। पहुंच गए रमीज अपनी क्रीज पे। एक और रन का इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी है। और इस बार रमीज ने खेला है शॉट गेंद ग्राउंड के बाहर। एक और छक्का इस ओवर में। इस बार बैट्समैन थे दूर, बैट्समैन थे रमीज महबूब। 34 बढ़ता हुआ स्कोर। एक और छक्का बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। तीसरा छक्का इस ओवर में। दो जड़ दिए है रमीज महबूब ने और एक लगा दिया है इस्माइल शाह ने। स्कोर पहुंच गया है 40 रन पे। और इसी किस्म की बैटिंग के लिए मशहूर है रमीज महबूब। काफी अग्रेसिव बैट्समैन है इस्माइल शाह और रमीज महबूब, जिसका भरपूर मुजाहरा करते हुए आज थंडर नाइट्स की जानिब से। अली लब्बासी बड़े अच्छे बॉलर है, लेकिन आज बिल्कुल भी खाते में नहीं लेके आ रहे हैं अदील को रमीज महबूब और इस्माइल शाह। अदील लब्बासी एक बार फिर तैयार। बड़ी उमदा बॉल थी, कंप्लीटली बीट किया है। ऑन साइड की जानिब खेलने गए थे, कामयाब नहीं हो सके डॉग बॉल। तो इस तरह तीन ओवर के अख्ताम पे 40 रन बनाने में कामयाब हुई है थंडर नाइट्स बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। तीन ओवर 40 रन।
नवीद अपने स्टाइल का दूसरा और अपनी टीम की जानिब से चौथा ओवर करते हुए पहली गेंद पे आहिस्तगी से सिंगल हासिल किया इस्माइल शाह ने, स्कोर हो गया 41। और इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड की जानिब, अंपायर मोहम्मद असगर की जानिब से इशारा है कि बाई की सूरत में यह रन हासिल हुआ है, तो इस फाजिल रन से बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। एक और बड़ा शानदार शॉट इस्माइल शाह की जानिब से, गेंद कुछ देर हवा में रही लेकिन आमिर के 46। चौके के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। सर्कल का भरपूर फायदा उठाते हुए ये दोनों बैट्समैन, और इस बार खेलते ही बॉल पड़े भरपूर सादिया रमीज ने 47। तैयब है बॉलर अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम की जानिब से पांचवा ओवर करने के लिए तैयार, और अपील है थी लेग बिफोर की लेकिन अंपायर शाहिद असलम को मुतासिर ना कर सकी। और बड़ा खूबसूरत चार इस्माइल शाह की जानिब से, अंपायर शाहिद असलम की जानिब से इशारा आया 4 रन का, तो इस चौके से बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन भी मुकम्मल हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन। पांचवें ओवर में 51 रन हो चुके हैं। बहुत ही शानदार शॉट, एक और बड़ा खूबसूरत शॉट इस्माइल शाह की जानिब से, और अंपायर ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके इशारा दिया 6 रन का, और लगता है बिल्कुल भी खाते में नहीं ला रहे किसी बॉलर को इस्माइल शाह। 57 उठा के शॉट खेल दिया है और गैप हो गया कैच। आमिर नूर मोती वाला ने कोशिश जरूर की थी लेकिन
खौफ हो गया है कैच, तो यकीनी तौर पर एक जिंदगी मिली है इस्माइल शाह को। इस एक रन के जाते से बढ़ते हुए स्कोर 58 रन। आहिस्तगी से रोक के खेले, रमीज रन बनने का मौका नहीं था। और लेग साइड से काफी बाहर बॉल, एम्पायर शाहिद असलम, जिस तरह के खूबसूरत एम्पायर है वैसे ही खूबसूरत इशारा भी देते हैं शाहिद असलम। और एक और बड़ी खूबसूरत बॉल तैयब की जानिब से, और जब भी आप देखेंगे इनको असगर भाई के साथ ही देखेंगे, क्योंकि इनकी जोड़ी कराची में बड़ी जानी मानी जाती है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए माशाल्लाह आज तक इस उम्र में असगर भाई भी बैचुलर है और शाहिद असलम भी बैचुलर है। उस्मान गनी है बॉलर, अच्छा आगाज उस्मान की जानिब से, चार लगातार डॉट बॉलें कराने में कामयाब। और इस बार कामयाब हुए, खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जा रहे, फील्डर कोशिश में जरूर है लेकिन उनकी पहुंच से दूर, गेंद एक के पकड़ने के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, चार रन। इस चक्के के इजाफे से बढ़ते हुए स्कोर 63 रन। और शॉर्ट पिच बॉल थी, पीछे पड़ी थी, जिसका भरपूर फायदा उठाया है, एक और चौका, लगातार दूसरी बाउंड्री, चार डॉट बॉल खेलने के बाद दो चौके लगाने में कामयाब, 67 आफ्टर सिक्स ओवर द नो लॉस। बलंदाबाज थंडर नाइट्स के दोनों ओपनर्स की जानिब से इस्माइल शाह और रमीज महबूब, तमाम ही बॉलर को कंप्लीटली हिटिंग करते हुए दोनों ही बैट्समैन, 6 ओवर 67 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। रेहान अनीफ आए हैं अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम की जानिब से सातवां ओवर करने के लिए, सामना करेंगे रमीज महबूब। रेहान हनीफ Yeah.
और बड़े ही बुलंद बाला छक्का लगाने में कामयाब। धिंग राउंड के बाहर रमेश बाबू 73। एक तरफ से शुरू हुए इस्माइल शाह भी दूसरी तरफ से बिल्कुल भी पीछे नहीं रह रहे रमेश बाबू। स्कोर हो गया है 73 रन्स। काफी चारहना अंदाज और इस बार अच्छी बॉल थी रियाना नीफ की जानिब से, सही तरीके से बल्ले पे नहीं आई लेकिन दोनों बैट्समैनों के पास मौका था एक रन लेने का। एम्पायर की जानिब से इशारा आया कि बाई की सूरत में यह रन हासिल हुआ है तो इस फाजिल रन से बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन। अब इस्माइल शाह सामना करेंगे रेहान का। और इस बार आश्तिकी से खेल दिया शॉर्ट थर्ड मैन की जाने, फील्डर मौजूद है, एक ही रन बनने का मौका मिल सकेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन। इस बार खेल दिया है कवर की जाने, फील्डर कोशिश में जरूर है लेकिन कामयाब नहीं हो सकेंगे। एक और चक्कर रमीज की जानिब से 79, बढ़ता हुआ स्कोर 79 रन। सिंगल डबल पे बहुत कम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बाउंड्री की तरफ ज्यादा तवज्जा दे रहे हैं दोनों ही बैट्समैन। रेहान एक बार फिर तैयार और इस बार भी जोरदार हिट लगाना चाहते थे रमीज, कामयाब नहीं हो सके। गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में, डॉट बॉल। SPL सीजन 5 खेला जाने वाला मैच उठा दिया है, देखना पड़ेगा। फील्डर काफी दूर से दौड़ते हुए आ रहे हैं और बाउंड कैच सेकंड अटेम्प्ट में लेने में कामयाब। कैचर थे मुस्तफा। तो इस तरह रमीज महबूब की इनिंग का खात्मा, काफी शानदार इनिंग खेली रमीज महबूब ने और 79 के मजमे पे आउट होके पवेलियन वापस। सिर्फ 15 गेंदों का सामना किया और शानदार 32 रन की इनिंग खेल के आउट हुए रमीज महबूब। तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग का नजारा, 79 रन का स्टार्ट दिया है। नए जाने वाले बैट्समैन जो अभी अभी पवेलियन से नमूदार हुए, अली जैन जो साथ देने के लिए गए हैं इस्माइल शाह का। तो रेहान हनीफ पार्टनरशिप ब्रेक करने में कामयाब हुए अपनी टीम के लिए जो कि 79 रन पे मुश्तमिल थी। अफजल गिगी आए हैं अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम की जानिब से। अपनी टीम की जानिब से 8वां ओवर करने के लिए आए हैं अफजल गिगी। अच्छी बॉल, बड़ी उमदा बॉल खेलने गए थे अली जैन। और आउट कर दिया है अली जैन को अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पे कामयाबी दिलाई। तो दूसरा नुकसान, स्कोर वही 79 रन। पहले रमीज महबूब पर फिर जाते अली जैन के विकेट हासिल की।
तो बड़ा जबरदस्त कैच लिया है तैयब बालागम वाला ने, अपने बाएं जानिब डाइव लगा के बड़ा खूबसूरत कैच लेके इनिंग का खात्मा कर दिया अली जैन की। तो 79 के मजबूत पर दूसरा नुकसान उठाना पड़ा नए जाने वाले बैट्समैन है जमील आगा। तो जबरदस्त ब्रेक थ्रू दिलाया पहले रेहान हनीफ ने और अपने पहले ओवर में कामयाबी दिलाने में कामयाब अफजल गिगी, अपनी दूसरी गेंद पे आउट करने में कामयाब अली जैन को, बड़ा शानदार कैच लेने में कामयाब, अपने बाएं जानिब बड़ा खूबसूरत कैच लिया था तैयब बालागम वाला ने। अच्छा शॉट खेला है डीप कवर पे आमिर है फील्डर, अच्छी थ्रो लेकिन पहुंच गए जमील अपने क्रीज पे, तो 2 रन का और इजाफा मजबूत स्कोर में, मर्तबा स्कोर 81। और आहिस्तगी से निकाल दिया था लेकिन फील्डर मौजूद, रन बनने का मौका नहीं मिल सका, स्कोर में दस्तूर 81 रन। अफजल तैयार, सामना करेंगे जमील आगा, एक और बड़ी उमदा बॉल जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में, रन बनने का मौका नहीं था। और इस बार निकालने में कामयाब जमील, लॉन्ग ऑन की जाने फील्डर मौजूद है, एक ही रन बनने का मौका मिल सकेगा। तो बड़ा कामयाब ओवर अफजल की जानिब से जिसमें उन्होंने अली जैन की विकेट हासिल की, तो 8 ओवर के इख्तिताम पे 2 विकेटों के नुकसान पे 82 रन बनाने में कामयाब हुई है थंडर नाइट्स, 8-82 2 विकेटों के नुकसान पे। रेहान हनीफ अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, सामना करेंगे जमील आगा, स्कोर है 82 रन, 9 ओवर करने के लिए तैयार, अपने स्पेल का दूसरा और अपनी टीम की जानिब से 9 ओवर करने के लिए तैयार रेहान हनीफ। इस बार निकाल दिया है, पहला रन बड़ी तेजी से हासिल किया और यकीनी तौर पर दूसरा लेने में भी कामयाब हो जाएंगे, 84 रन। इस बार खेल दिया है आहिस्तगी से ऑन साइड के जाने जमील आगा ने, 1 रन के लिए 85-85 रन। और इस बार बड़ी अमदगी से निकाल दिया है इस्माइल शाह ने, गेंद काफी तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही है, जब तक फील्डर गेंद को पिक करके थ्रो करेंगे दोनों बैट्समैनों के पास मौका है 2 रन लेने का, पर तो स्कोर 87-87 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 88 रन।
इस बार खेल दिया है ऑन साइड की जानिब। नवासी रन बढ़ता हुआ स्कोर। इस्माइल शाह सामना करेंगे रेहान हनीफ का। एक और बड़ा खूबसूरत लेट कट किया है इस्माइल शाह ने। ये काफी तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही है। टू रन का और इजाफा मजबूत स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर 91। तो 9 ओवर के अख्तितम पे 2 विकेट के नुकसान पे 91 रन बनाने में कामयाब हुई है थंडर नाइट्स। 9 ओवर 91 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बुकिंग और तफसीलात के लिए 0336-31-88-218, 0321-210-5611। कराची में नया नाजमाबाद से चंद कदम के फासले पर सबसे प्राइम लोकेशन पर इज्तिमागाह के और खेलते ही निकल पड़े जमील आगा। भरपूर साथ दिया उनका इस्माइल शाह ने। तो बढ़ता हुआ स्कोर 92। अफजल गेगी अपने स्पेल का दूसरा और अपनी टीम की जानिब से 10वां ओवर करते हुए। एक और सिंगल 93। 48 रन पे पहुंच गए इस्माइल शाह। 48 रन पे बैटिंग कर रहे हैं इस्माइल शाह। बढ़ता हुआ स्कोर 93 रन। उनका शॉट खेल दिया है डीप कवर पे। फील्डर मौजूद है, एक रन बनने का मौका मिल सकेगा। 94। आहिस्ता आहिस्ता अपने हदफ की जानिब बढ़ते हुए थंडर नाइट्स 94 रन हो चुके हैं। इस्माइल शाह सामना करेंगे अफजल का और बड़ा उनका शॉट खेला है। यकीनी तौर पर लगता है ऐसा है कि अपने 50 रन मुकम्मल कर लेंगे इस्माइल शाह। और इन दोनों के जाते से 50 रन मुकम्मल किए इस्माइल शाह ने। बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा टीम के लिए करते हुए इस्माइल शाह। बढ़ता हुआ स्कोर 96 रन। इस्माइल शाह पहुंच गए 50 रन पे। 31 बॉलों का सामना किया 50 रन की इस इनिंग में। अफजल तैयार। इस बार आहिस्तगी से रोक के खेले इस्माइल शाह। बॉलर की जाने पर रन बनने का मौका नहीं था। स्कोर बदस्तूर 96 रन 96। इस बार बड़ा खूबसूरत शॉट धूम बना के खेले इस्माइल शाह। गेंद काफी तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही है। लगता नहीं एक नवीद इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। 4 रन और इस चौके से 100 रन भी मुकम्मल हुए थंडर नाइट के। बढ़ता हुआ स्कोर 100 रन। तो 10 ओवर के अख्तितम पे 100 रन बनाने में कामयाब हुई है थंडर नाइट्स 2 विकेटों के नुकसान पे। एक बार फिर बॉलिंग चेंज करने का फैसला तैयब की जानिब से। मुश्तबा को बुलाया है अपने स्पेल का पहला और अपनी टीम की जानिब से 11 ओवर करने के लिए तैयार। सामने करेंगे जमील आगा। स्कोर है 100 रन। 24 रनों की दूरी पे अपनी टीम की जीत पे थंडर नाइट्स। आहिस्तगी से खेल दिया है ऑन साइड की जानिब एक रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 101। ग्यारहवें ओवर का खेल जारी है। मुश्तबा तैयार अपने ओवर की अगली गेंद करने के लिए। सामना करेंगे इस्माइल शाह।
50 प्लस पे बैटिंग करते हुए इस्माइल शाह। अच्छी बॉल थी, खेल दिया आई सी से एक रन के लिए इस्माइल शाह ने 102। एक और बड़ा उमदा रन लेने में कामयाब 103। इन दो रनों के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 105 रन 105। इस्माइल शाह सामना करेंगे मुश्तबा का, स्कोर है 105 रन। एक और रन आज तक इसे हासिल किया 106 रन 106। तो इस तरह 11 ओवर के इख्तिताम पे 2 विकेट के नुकसान पे 106 रन बनाने में कामयाब हुई है थंडर नाइट्स। 11 ओवर 106 रन 2 विकेट के नुकसान पे क्रीज पे मौजूद है इस्माइल शाह और जमीर आगा। नौ ओवर का खेल बाकी रह गया है और 18 रन दरकार, 54 गेंदे 18 रन। आयशा व्यू सिर्फ 16 लाख कैश में फौरी कब्जा। अपनी बैलेंस जारी रखेंगे, सामना करेंगे इस्माइल शाह, स्कोर है 106 रन। जिंदगी की तमाम सहूलतों से आराधना। जमीर आगा सामना करेंगे अफजल का। उठा के शॉट खेल दिया जमीन ने पॉइंट के ऊपर से, नवीद दौड़ते हुए जा रहे हैं गेंद के पीछे, जब तक गेंद को पिक करके थ्रो करेंगे दोनों बैट्समैनों के पास मौका है दो रन लेने का 109। 109 रन। बड़ा खूबसूरत शॉट जमील आगा की जानिब से, किसी फील्डर के पास मौका नहीं था इस बॉल को रोकने का, 4 रन 113 113 रन। बेटा
114 114 रन। सलमान भाई की बेहतरीन बॉलिंग आज। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही है थंडर नाइट की जानिब से। बड़ा क्रूशियल ब्रेक थ्रू दिलाया था सलमान शेखानी ने। तीनों बड़ी अहम विकेट हासिल की थी और अपने चार ओवर के कोटे में सिर्फ 20 रन देके और तीन शानदार विकेट हासिल की थी। और तीनों ही बड़ी अहम कामयाबी हासिल की थी सलमान ने। सबसे पहले यूजी की विकेट हासिल की थी जो बहुत खतरा बन चुके थे थंडर राइड्स के लिए। उसके बाद अदील अब्बासी और फिर मलिक करार जो बड़े जबरदस्त स्लॉगर है। तो तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट दिलाई थी अपनी टीम को सलमान शेखानी ने। जिस तेजी से पार्टनरशिप लग गई थी यूजी की और आदम जी ताई की, उसको ब्रेक थ्रू दिलाया था टीम को। तो अब उनकी टीम की जानिब से इस्माइल शाह भी बड़े जबरदस्त कैंडिडेट हैं जो 50 प्लस में बैटिंग कर रहे हैं। तैयार सामने करेंगे जमील आगा और इस बार भी आहिस्तगी से सिंगल हासिल करने में कामयाब। इस एक रन के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 119 119 पांच रन की दूरी पे जीत से। अच्छी बॉल थी तैयब की, बिल्कुल कंप्लीटली बीट कर दिया इस्माइल शाह को। खेलने गए थे, कामयाब नहीं हुए और विकेट कीपर ने पलक झपकते ही बेल जुड़ा दी, लेकिन क्रीज के अंदर मौजूद थे इस्माइल शाह तो आउट होने का कोई खतरा नहीं। स्कोर हो गया है 119। उठा के शॉट कर लिया और इस तरह फतह हासिल की थंडर नाइट्स ने। तो बड़ी शानदार कामयाबी, 8 विकेटों से ये फतह हासिल की है थंडर नाइट्स ने। केपी ट्रायल ब्लेजर्स के अगेंस्ट यकीनी तौर पर बात की मुस्तहक थंडर नाइट्स, जिसने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की। 42 गेंद पे 68 रन की इनिंग खेली इस्माइल शाह ने, नॉट आउट रहे, उनका साथ दिया था जमील आगा जो कि 20 रन पे नॉट आउट रहे। शुरू में रमीज महबूब बड़ी शानदार बैटिंग करके गए। अली जैन आज कोई खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सके, अनलकी रहे कि आउट हो गए। तो इस तरह 8 विकेटों से कामयाबी, बड़ा शानदार आगाज दिया था 89 रन का। कमर्शियल एरिया के दोनों सेंटर्स मुकम्मल बॉलीवॉल के अंदर रमीज महबूब की थी और उसके बाद अली जैद भी इसी स्कोर पे आउट हुए, लेकिन उसके बाद के दोनों बैट पे नॉट आउट है। तो बड़ा शानदार 16 लाख कैश में फौरी कब्जा। जिंदगी की तमाम सहूलतों से आराम। बुकिंग और तफसीलात के लिए 03 6